Let's proceed to fourth part of our story and discuss difficult word meanings. The first word is meek, it means quiet, gentle, and easily imposed on Yani Shista. Second word is spring, it means a source of water from underground, Yani Chashma. Third word is bore, it is related to a tree or plant, it means to produce fruit or flowers, Yani dena. So let's move on to its explanation. एक लैम्प द स्टीपाथ दिलेज अब वो ऑर्चिड से सारे फ्रूट्स और शाक के लिए कलेक्ट करके घर की तरफ जा रहा है वाटर मेलन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट अलॉन्ग विद द लैम्प तो जब वो स्टीप पाथ यानी एक स्लोप की तरह है पाथ वहां पे उसका घर है ऑब्वियसली ही इज अ वेरी एजेड मैन उसने अपने ऊपर पूरे फ्रूट के बास्केट रखा हुआ है जो कि हेवीली उसके ऊपर प्रेस कर रहा होता है जब वो उस पाथ पे चल रहा होता है और जो लैम्प उसने खोला होता है और अपने साथ लाया होता है वो कभी उसके आगे चल रहा होता है कभी उसको पीछे से फॉलो कर रहा होता है तो जब वो अपने विलेज में घर की तरफ जा रहा होता है उसको रास्ते में बहुत से लोग मिलते हैं वो पूछते हैं कि वेयर आर यू गोइंग सो अर्ली इन द डे कि तुम इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो तो वो बहुत प्राउडली लोगों को जवाब देता था कि मेरा बेटा आया है विलेज में अरशाक आया है विलेज में सो ऑन द वे ईच ईच ट्री बुश जब वो गुजर रहा होता है अपने घर की तरफ को तो उसको हर झाड़ी हर पेड़ हर पत्थर हर चश्मा अरशाक के चाइल्ड हुड की याद दिलाती है कि किस तरीके से मैं, जब वो छोटा था तो मैं उसको अपने कंधों पर बिठा के इस टी पाथ से ही गुजार के यहाँ पे लाया करता था जब वो थक जाता था तो वो फला पत्थर पे बैठता था और मैं उसको फिर पियर देता था खाने को और फिर अपने ही लॉन्ग जैकेट के हेम से उसका नाक पूछा करता था उसको एक खास स्प्रिंग से पानी पीने का एक खास चश्मे से पानी पीने का बहुत शौक था तो मैं अपने हाथों में पानी कलेक्ट करके उसके लिए लाता था और वो मेरे हाथों से पानी पीता था फिर वो रिकॉल करता है कि यहाँ पास में ही एक ऑर्चर्ड था जिसके ट्रीज ऑटम में भी ग्रीन रहते थे और बहुत ज्यादा उस पर फ्रूट लगा करता था बहुत ज्यादा फ्रूट ग्रो किया करता था फिर वो रिकॉल करता है कि जब अरशाक इलेवन ईयर्स ओल्ड था उसने एक्सीडेंटली एक चेरी ट्री से गिर के अपनी जो टांग है वो तोड़ ली थी और जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो साथ है उसको गोद में उठा के दूर के एक डॉक्टर के पास दिखाने ले गया था। थैंक यू